नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुदरत की बनाई हुई इस दुनिया में हर एक चीज़ में कोई न कोई स्पेशल पावर होता है, कोई न कोई स्पेशल एक ऐसा गुण होता है जो बाकी सबसे अलग होता है और बहुत ही पावरफुल होता है और दूसरों के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। जैसे कि हम अपने घर में रखते हैं एकांक्षी नारियल, गोमती चक्र, लघु नारियल। दोस्तों, ये सारी ही चीज़ें, दक्षिणावर्ती शंख, बिल्ली की जेर, ये क्या करती हैं? आपके घर में सुख और समृद्धि लाती हैं। इसी जगह दोस्तों, जैसे कि हत्था जोड़ी है और ये जो सियार शिंगी है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपके अगर आपके पास है तो आपका वशीकरण बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है दूसरों के ऊपर। और इसके साथ ही ये आपकी मदद करती हैं, किसी भी शत्रुओं से आपकी सहायता करती हैं। और दोस्तों, ये चीज़ें जब तक आपके पास होती हैं, आपके दिन प्रतिदिन उत्तर उत्तर बढ़ोती ही होती रहती है। ठीक वैसी ही ये चीज़ है शाही का काटा। दोस्तों, ये सुख समृद्धि तो नहीं लाता है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे गुण पड़े हुए हैं दोस्तों, जिससे आप शत्रुओं पर बहुत जल्दी विजय पा सकते हैं और कितने ही रोगों पर आप बहुत अच्छे से आपका कंट्रोल कर सकते हैं, रोगों का निदान कर सकते हैं। दोस्तों, तो मैं बताऊं, जो ये शाही का काटा है, वैसे मैं आपको बताऊं, ये देखिए, ये ऐसा होता है, देखिए ये शाही के शरीर से निकला हुआ है। देखिए, इसमें पीछे हॉल है, उसकी बॉडी से ये आउट हुआ है। कितना बड़ा है, आप इसकी साइज देख लीजिए, अगर आपको कहीं मिले तो आप धोखा न खा जाएं। ये देख लीजिए, ये है शाही का असली कांटा। ये अभी अभी आया है, मंगाया गया है जंगल से। देखिए, तो ये वो कांटा है दोस्तों, इससे बहुत ही बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो सकते हैं। ये आपको मिलेगा जंगलों में, या बहुत जंगल भी ना हो लेकिन जहाँ निर्जन स्थान हो वहाँ पर ये शाही रहती है। इसकी साइज काफ़ी छोटी होती है इस जीव की, लेकिन इसकी पूरी बॉडी में ये कांटे लगे हुए होते हैं। जब कोई दूसरा पशु उसके ऊपर आक्रमण करने जाता है, तब वो पूरी ऐसी गोल हो जाती है, उसकी बॉडी से ये कांटे अपने आप ऐसे निकलते हैं और सामने वाले जो दूसरा जो पशु होता है उसको लगते हैं और वो डर के मारे वापस भाग जाता है। बिकॉज इस कांटे में बहुत जलन होती है, इसकी जलन दूसरे बड़े बड़े पशु भी सहन नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या करता है कांटा? ये शाही की रक्षा करता है। अगर ये कांटा आपके पास में है दोस्तों, तो आप महसूस करेंगे कि आपका कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, वो एकदम से आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश कभी भी नहीं करेगा। दोस्तों, ये शाही का कांटे का उपयोग आप कर सकते हैं। अगर जैसे कोई महिला है और बार बार उसे मिसकैरेज हो जाता है, गर्भ नहीं रहता है, तो आप इस कांटे को किसी भी दिन दोस्तों काले धागे में बांध करके और उसकी कमर पर आप बांध दें, मिसकैरेज नहीं होगा। परंतु बहुत ध्यान रखना कि ये इस तरीके से बांधें कि इसका ये कहीं कांटा चुभे नहीं। आप देखेंगे मिसकैरेज बिल्कुल भी नहीं होगा, लड़का लड़की जो भी होने वाला होगा बहुत ही अच्छे से हो जाएगा बिना किसी दवाई के। कितनी बार दोस्तों, कितनी जगह दवाइयां करवानी पड़ती हैं लेकिन मिसकैरेज होना बंद नहीं होता है, लाखों रुपए इसमें चले जाते हैं, लेकिन ये शाही का कांटा ये काम बहुत ही आसानी से कर देता है। दूसरा उपाय बताऊं मैं दोस्तों, अगर आपको किसी पर वशीकरण करना है तो बहुत ही आसान उपाय है, और ये वशीकरण दोस्तों कभी भी खाली नहीं जाता है। आपको लेना है एक बरगद का पत्ता और उसकी सीधी तरफ गोरोचन और अष्टगंध दोनों को मिक्स कर लेना है, और उससे आपको जिसका वशीकरण करना है उसका नाम लिख देना है, और उसका नाम लिख करके इस शाही के कांटे से आपको 9 बार उस पर छेद कर देना है। बहुत ही सिंपल है। क्या करना है आपको? बरगद का एक पत्ता लेना है, उस पर आपको जिस व्यक्ति पर वशीकरण करना है उसका नाम लिख देना है गोरोचन और अष्टगंध से, और फिर उस नाम के ऊपर 9 बार छेद कर देना है, और उस पत्ते को दोस्तों बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। आप देखेंगे कि ऐसा भी इंसान होगा वो आपके वश में तुरंत ही हो जाता है। और दोस्तों, अगर कोई शत्रु है जो बिना वजह आपको बहुत ही परेशान कर रहा है, आप उसको सीधे सीधे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये शाही का कांटा दोस्तों अगर आप उसके दरवाजे पर
उसके दरवाजे पर आप सिर्फ इसे गाड़ दें, आपको कुछ कहना सुनना नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे इतनी कलह होगी उसके घर पे कि वो खुद कलह कर करके आपस में एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। और अगर आप उसके दरवाजे पर इसे नहीं गाड़ सकते हैं तो उसके घर की दीवार पर आप इसे इस तरीके से सीधा गाड़ दें, और उसके बाद आप देखें 24 घंटे के अंदर ही चमत्कार शुरू हो जाएगा। वो अंदर ही अंदर लड़ लड़ करके ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों ये शाही का कांटा बहुत ही पावरफुल है, इसके ऊपर और भी बहुत सारे टोने टोटके और बहुत सारे जादू इस पर सफल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये YouTube की जो चैनल्स है इसमें इतना वक्त नहीं होता है कि बहुत लंबी वीडियोस बनाई जाए, तो समय मर्यादा होने की वजह से आज इसमें इतनी ही जानकारी दे रही हूँ मैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर अवश्य ही करें। दोस्तों इस शाही के कांटे पर मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगी, उसे भी आप अवश्य ही देखना। देखते रहें, अपना काम करते रहें। जय श्री कृष्ण।